नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर रेलवे की तरफ से बड़ी अपडेट है। रेलवे कर्मचारियों का जो HRMS पोर्टल है उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। देखिए दोस्तों, रेलवे क्या करती है, समय समय पर जो भी चीज़ें हैं उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ यहाँ पर लेके जा रही है। अभी थोड़े दिन पहले रेलवे ने एक बड़ा बदलाव किया था कि जो छुट्टियाँ मिलती थी, लीव मिलती थी, वो HRMS के माध्यम से ही ऑनलाइन यहाँ पर हो गई है। सारी चीज़ उसका डिजिटलाइजेशन हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर बड़ा बदलाव और किया गया है, सर्विस रिकॉर्ड के मामले में भी दोस्तों यहाँ पर गाइडलाइन आ चुकी हैं। सर्विस रिकॉर्ड भी अब जो है ऑनलाइन ही यहाँ पर मेंटेन होगा। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ गाइडलाइन आई हैं रेलवे बोर्ड की तरफ से, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आप इसको पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये है रेलवे बोर्ड की तरफ से अपडेट। रेलवे बोर्ड आप सब जानते हैं कि सभी जो RRB होती है या RRC होता है उनका हेड होता है, और रेलवे कर्मचारियों के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाने का काम होता है वो रेलवे बोर्ड का काम होता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भारत सरकार के अधीन काम करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 22/3 यानी कि कल की डेट का अपडेट है। सभी जो जनरल मैनेजर हैं उनको यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ये ऑर्डर्स भेजे हैं, ऑल इंडियन रेलवे के जो भी GM हैं उनको। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सब्जेक्ट देखिए इसका, लॉन्च ऑफ ESR मॉड्यूल ऑफ HRMS रजिस्टर, यानी कि जो ई सर्विस रिकॉर्ड है उसकी मॉड्यूल को यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, बताया गया है कि रेलवे ने पहले भी 6 फरवरी 2023 को और 1 मई 2023 को भी यहाँ पर इसके बारे में पहले बताया था, तो उसके संबंध में यहाँ पर जारी किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि रेलवे ने यहाँ पर बड़ा फैसला लिया है, ऑल फील्ड यूनिट हैव बीन एडवाइज टू जनरेट ई सर्विस रिकॉर्ड फॉर न्यू ज्वाइनिंग, यानी कि जो भी नई ज्वाइनिंग रेलवे के अंदर हो रही है तो सभी जो यूनिट हैं उनको यहाँ पर एडवाइस किया गया था कि उनका जो सर्विस रिकॉर्ड है, ठीक है, सर्विस रिकॉर्ड क्या होता है, जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो कब कब आपका प्रमोशन होता है, कब कब इंक्रीमेंट लगता है, कोई पनिशमेंट आपको मिलता है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर मेंटेन रहती हैं, आपका सर्विस रिकॉर्ड बनता है ना उसके अंदर। तो इस चीज़ को यहाँ पर न्यू ज्वाइनिंग वालों को जो है ऑनलाइन ही बना जाए। नाउ इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट सर्विस रिकॉर्ड ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय आर मूव टू डिजिटल फॉर्मेट एडवाइजरी इज अंडर, यानी कि जो पुराने कर्मचारी हैं उनका भी सर्विस रिकॉर्ड है यहाँ पर अब डिजिटल करेंगे तो उसके लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है, वो इस प्रकार है। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि जो आपका ESR है यानी कि डिजिटल सर्विस रिकॉर्ड है, वो मॉड्यूल HRMS पे 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 अप्रैल 2024 से आपका जो है HRMS वाला मॉड्यूल है सर्विस रिकॉर्ड वाला वो चालू हो जाएगा, और 1/4/2024 से ही जो आप फिजिकली जो सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन करते हो वो दोस्तों डिसकंटिन्यू हो जाएगा। मतलब आपको पेपर वर्क करना पड़ता था कि भाई कौन कर्मचारी है, उसके अलग फाइल बनानी पड़ती थी, उसके लिए एक रजिस्टर रखना पड़ता था, उसमें उसके जो भी पनिशमेंट जो भी इंक्रीमेंट सब उसको नोट करने पड़ते थे, लेकिन अब वो यहाँ पर बंद हो जाएगा। आगे यहाँ पर ऑल द एंट्री रिलेटिंग करियर इवेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉई सच डेट ऑफ इंक्रीमेंट प्रमोशन ग्रेंट ऑफ NFS MACP विल ओनली इन मेड डिजिटल फॉर्मेट, यानी कि अब आप जो भी कर्मचारी हैं उनके जो प्रमोशन होते हैं, इंक्रीमेंट होते हैं, NFS उनको जो मिलते हैं, MACP वित्तीय प्रोत्साहन योजना, उनके जो बेनिफिट उनको मिलते हैं वो सारे डिजिटल ही होंगे और HRMS के माध्यम से देख सकते हैं। आगे बताया गया है, एज स्कैन कॉपी ऑफ सर्विस रिकॉर्ड अप टू 2029 हैज़ बीन अपलोडेड इन द ईयर 2029, कॉपीज ऑफ सबसिक्वेंट ईयर विल बी आल्सो बी स्कैनड। यह बता रखा है कि 2019 तक जो भी रिकॉर्ड थे वो तो पहले ही डिजिटल किए जा चुके हैं, उसके बाद के जो भी रिकॉर्ड हैं वो हर साल के हिसाब से जो है आप 31 मार्च 2024 तक अपडेट कर दें। इसके बाद दोस्तों बता रखा है कि इन ऑर्डर टू इंश्योर ऑल द इंटर कनेक्टेड डाटा इज वेरियस मॉड्यूल आर अपडेटेड इन डायनेमिक मैनर, एंट्री फ्रॉम 1/7/2029 टिल डेट में बी एंटर इन टू ESR मॉड्यूल अंडर ऑथेंटिकेशन ऑफ कंपोनेंट अथॉरिटी, यानी देखिए अब जो है सारी चीज़ें यहाँ पर जो है डायनेमिक मैनर में यहाँ पर तैयार की जा रही हैं। तो 1/7/2023 से अब तक की जो भी यहाँ पर आपकी एंट्रीज हैं वो आप डिजिटली करें, और इसके लिए जो भी कंपोनेंट अथॉरिटी है उसका ऑथेंटिकेशन भी आप ले लें। आगे बता रखा है, सिंस दिस डाटा एंट्री इज़ गोइंग टू बी ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि ये जो प्रोसेस है उसमें आपका टाइम कंज्यूम होगा अपलोड करने में, द कंसर्न यूनिट कैन आइदर कैरी आउट द प्रोसेस थ्रू ऑन स्टाफ थ्रू आउटसोर्सिंग, इसलिए आपको ये सारी जो चीज़ हैं या तो आप जो है अपने स्टाफ से करवा सकते हो, अगर आपके पास स्टाफ अवेलेबल नहीं है तो आप आउटसोर्सिंग की मदद भी ले सकते हो, यानी कि लोग हायर कर सकते हो प्राइवेट सेक्टर के भी, ठीक है, और उनसे भी जो भी डेटा है उसको अपलोड करवा सकते हो। आगे बताया गया है, सिंस द डेटा रिलेटिंग टू एम्प्लॉय इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली सेंसिटिव एंड इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो डाटा है कर्मचारियों का बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि उसका प्रमोशन कब हुआ, कब इंक्रीमेंट हुआ, तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर बता रखा है डिलियंस मे बी एंश्योर टू बी कंसर्न डीलिंग यूनिट, जो इसलिए जो भी डीलिंग यूनिट इस चीज़ को संभाल रही है वो इसमें विशेष जो है सावधानी बरते हैं, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंसी ऑफ द डाटा रिमेंस विद द कंसर्न यूनिट ओनली, अगर कुछ भी डाटा में गड़बड़ी होती है, मान लीजिए आप आउटसोर्सिंग मदद लेते हैं तो उसमें अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो आपकी ही जिम्मेदारी होगी। आगे बता रखा है कि CRIS विल
इनकॉर्पोरेट सुटेबल प्रोविजन इन ESR मॉड्यूल टू सेट एंट्री वेटेड इन ड्यू कोर्स। और जो आपका क्रिस है यानी कि सेंटर जो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम है रेलवे का, तो वो भी इसमें मदद करेगा। और इसमें बता रखा है कि जो भी आपके प्रोविज़न है ऑडिट वगैरह, इनमें भी जो आपकी जो है, आगे बात करते हैं। आगे बता रखा है द टाइम लाइन फॉर कम्प्लीटेशन ऑफ डाटा एंट्री इज मंथ ऑफ, यहाँ पर बता रखा है कि आपको जो डाटा एंट्री करनी है सारी चीज़ें वो 1 अप्रैल 2024 से पहले पहले आपको करनी होगी। और यहाँ पर कुछ और चीज़ें बता रखी हैं कि जो CRIS है यानी कि रेलवे का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो, वो भी दोस्तों इसके लिए ट्रेनिंग आपको देगा ESR की कि किस प्रकार से आप ये सब चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग सेशन भी यहाँ पर आपको देने वाला है। और अगर किसी प्रकार का इश्यू है तो आप दोस्तों रेलवे बोर्ड या फिर क्रिस जो है उसकी भी यहाँ पर हेल्प यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। अच्छी खबर है कि सारी चीज़ें डिजिटल हो जाएंगी, तो सर्विस रिकॉर्ड भी आपको जो है ऑफिस से नहीं मंगवाना पड़ेगा किसी भी काम से आपको अगर सर्विस रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है तो, क्योंकि ऑफिस जाते हैं फिर ऑफिस मांगते हैं फिर आपका टाइम जाया होता है। तो सारी चीज़ें डिजिटल हो जाएंगी, तो आप खुद ही यहाँ पर देख सकते हैं। और किसी प्रकार की ज़रूरत होगी तो आप जो है ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं HRMS से। तो ये बहुत अच्छा स्टेप यहाँ पर लिया गया है। बाकी देखिए बहुत सारी चीज़ें अब ऑनलाइन और आ जाएंगी, जैसे TA है, TA भी ऑनलाइन मिला करेगा, या एजुकेशन अलाउंसेज हैं, ये सारी चीज़ें भी ऑनलाइन धीरे धीरे यहाँ पर हो जाएंगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।